मेरे प्यारे देशवासियों, दो सप्ताह पहले भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहारों की धूम थी। जब पंजाब में लोहड़ी के जोश और उत्साह की गर्माहट फैला रही थी, तमिलनाडु की बहनें और भाई पोंगल का त्योहार मना रहे थे, तिरुवल्लुवर की जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे, असम में बिहू की मनोहारी छटा देखने को मिल रही थी, गुजरात में हर तरफ उत्तरायण की धूम और पतंगों से भरा आसमान था, ऐसे समय में दिल्ली एक ऐतिहासिक घटना की गवाह बन रही थी। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही लगभग 25 वर्ष पुरानी ब्रू रियांग रेफ्यूजी क्राइसिस एक दर्दनाक चैप्टर का अंत हुआ, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अपने बिजी रूटीन और फेस्टिव सीजन के चलते आप शायद इस ऐतिहासिक समझौते के बारे में विस्तार से नहीं जान पाए हो, इसलिए मुझे लगा कि इस बारे में मन की बात में आपसे अवश्य चर्चा करूं। यह समस्या 90 के दशक की है। 1997 में जातीय तनाव के कारण ब्रू रियांग जनजाति के लोगों को मिजोरम से निकल करके त्रिपुरा में शरण लेनी पड़ी थी। इन शरणार्थियों को नॉर्थ त्रिपुरा के कंचनपुर स्थित अस्थायी कैंपों में रखा गया। यह बहुत पीड़ादायक है कि ब्रू रियांग समुदाय के लोगों ने शरणार्थी के रूप में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया। उनके लिए कैंपों में जीवन काटने का मतलब था हर बुनियादी सुविधा से वंचित होना। 23 साल तक न घर, न जमीन, न परिवार के लिए बीमारियों के लिए इलाज का प्रबंध और न बच्चों की शिक्षा की चिंता या उनके लिए सुविधा। जरा सोचिए, 23 साल तक कैंपों में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना उनके लिए कितना दुष्कर रहा होगा। जीवन के हर पल हर दिन का एक अनिश्चित भविष्य के साथ बढ़ना कितना कष्टप्रद रहा होगा। सरकारें आई और चली गई, लेकिन इनकी पीड़ा का हल नहीं निकल पाया। लेकिन इतने कष्ट के बावजूद भारतीय संविधान और संस्कृति के प्रति उनका विश्वास अडिग बना रहा, और इसी विश्वास का नतीजा है कि उनके जीवन में आज एक नया सवेरा आया है। समझौते के तहत अब उनके लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने का रास्ता खुल गया है। आखिरकार 2020 का नया दशक ब्रू रियांग समुदाय के जीवन में एक नई आशा और उम्मीद की किरण लेकर आया। करीब 34,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके पुनर्वास और सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार लगभग 600 करोड़ रुपए की मदद भी करेगी। प्रत्येक विस्थापित परिवार को प्लॉट दिया जाएगा, घर बनाने में उनकी मदद की जाएगी। इसके साथ ही उनके राशन का प्रबंध भी किया जाएगा। वे अब केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह समझौता कई वजहों से बहुत खास है। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को दर्शाता है। समझौते के लिए मिजोरम और त्रिपुरा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। यह समझौता दोनों राज्यों की जनता की सहमति और शुभकामनाओं से ही संभव हुआ है। इसके लिए मैं दोनों राज्यों की जनता का, वहां के मुख्यमंत्रियों का विशेष रूप से आभार जताना चाहता हूं। यह समझौता भारतीय संस्कृति में समाहित करुणा भाव और सहृदयता को भी प्रकट करता है। सभी को अपना मानकर चलना और एकजुटता के साथ रहना इस पवित्र भूमि के संस्कारों में रचा बसा है। एक बार फिर इन राज्यों के निवासियों और ब्रू रियांग समुदाय के लोगों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं।